के चेंज करने के बाद फोर नहीं चेंज होता तो आप इस तरह यहाँ से थ्री कर दें। थ्री करने के बाद जो भी आपने पासवर्ड रखना है वो रख कर सेव कर लें। इस तरह आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। और ये देखिए आपका पासवर्ड चेंज हो गया है। और दोनों पासवर्ड आप अलग अलग रख सकते हैं जैसे भी आप चाहिए आपको। तो वीडियो दूसरी वीडियो मैंने पहले डाल दी है।